सुखदेव सिंह गोगा मिड़ी हत्याकांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। श्याम नगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एसएचओ के अलावा बीट प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। सुखदेव सिंह गोगा मिड़ी की पत्नी फिर से धरना स्थल पहुंच चुकी हैं। श्याम नगर थाना प्रभारी को मामले में लापरवाह मानते हुए निलंबित किया गया है। तो वहीं एसएचओ के अलावा बीट प्रभारी को भी इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए, लापरवाही देखते हुए निलंबित कर दिया गया। निलंबन के आदेश जारी किए गए। ये आप लोगों की जीत है भाइयों, ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों पे मेरे साथ आना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम फैला दिया। क्या आप लोग तो ऐसे ही जाने दोगे? नहीं जाओगे। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगा मिड़ी पधारे आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। रामलीला मैदान में सभा, कृपया वहाँ भी पधार कर अपने भाई को अपना आशीर्वाद दे, आत्मा को शांति मिले। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी तो खुद जिला भविष्य और हम परिवार और पूरा जो साथी सभी खड़े हैं, सर्व समाज से अपील करता है कि कल सुबह 7 बजे जयपुर से राजपूत सभा भवन होते हुए एक निश्चित रूट से जो आपको दे दिया जाएगा, गोगा मेड़ी सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी साहब का पार्थिव शरीर एक काफिले के साथ गोगा मेड़ी पहुंचेगा और 2 बजे गोगा मेड़ी में सुखदेव सिंह जी का दाह संस्कार किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सभी वहां पर सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी साहब सभी भाइयों से निवेदन है, शांति की तरीके से जैसे आप पधारे, जैसे भाई का आपने साथ दिया, उसी तरह सुबह सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी के पार्थिव शरीर को विलीन करेंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब बड़े धैर्य से शांति से गोगा मेड़ी पधारे और कोई भी काम भी ये आंदोलन हमारी न्याय का आंदोलन था। ये आंदोलन हमारी न्याय का आंदोलन था और 3600 कौम के साथ पूरे राष्ट्र से लोग आए। आज ऐतिहासिक पूरे देश में बंद रहा आप लोगों की वजह से, और अगर आगे भी इस बात को बढ़ाना पड़ता तो पूरे देश में हम लोग बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते। और अभी पुलिस ने ये लिखित में दिया है, क्योंकि पहले जो समझौता हुआ उसमें लिखित में कुछ नहीं था, अभी लिखित में हमें दिया गया है। और शीला भाभी साहब ने यही बोला था, जो लिखित में होगा उसी पे मानूंगी, ये लिखित में दिया है, नीचे साइन है। पूरा थाना
प्रधान निलंबित किया गया है एक आवाज पर, शीला भाभीसा की एक आवाज पर, और 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां होगी, नहीं तो हम वापस से रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थाना अधिकारी श्याम नगर व थाने के पीठ के प्रभारी व पीठ कॉन्स्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से वांछित अभियान का 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों के बीच ये आप लोगों की जीत है भाइयों, ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज में आया, जिसने इस समाज को एक जादू फैला दिया। क्या आप लोग इसकी ताकत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं दो। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगामेड़ी पधारे आप सभी का सादर आमंत्रित हो, आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी कि फिलहाल धरना समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जो मांग की जा रही थी अब उन मांगों पर सहमति बन गई है। श्याम नगर थाना प्रभारी और बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई है। जब शीला शेखावत को आपने सुना, गोगामेड़ी की पत्नी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो दोबारा से मैं आप लोगों को बुलाऊंगी और आप लोगों का समर्थन चाहिए मुझे। 72 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की गई है, नहीं तो दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सबसे बड़ी खबर बताइएगा जरा अपडेट। देखिए बिल्कुल, धरना जो है वो समाप्त हो गया है। खुद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धर्मपत्नी शीला शेखावत ने अभी कुछ देर पहले दोबारा से धरना स्थल पर पहुंच करके धरना समाप्त करने की घोषणा की। साथ में कहा गया कि श्याम नगर थाना प्रभारी, जो कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी हैं, उनको सस्पेंड करने के ऑर्डर जो है लिखित में DCP साउथ ने जारी कर दिए, पुलिस कमिश्नर ने इसकी अनुमति दे दी है। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगले 72 घंटे में दो जो आरोपी है, जो शूटर हैं और जो अन्य आरोपी, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन जो है वो पुलिस कमिश्नर की ओर से, DCP साउथ की ओर से दिया गया है। ऐसे में ये जो धरना चल रहा था 2 दिन का, वो आज समाप्त हो गया है। और पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं जो अहम भूमिका है वो एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत, उसके अलावा CO भोपाल सिंह जो भाटी हैं, उन्होंने एक अहम रोल इसमें सहमति में निभाया। और सहमति के बाद जब ये धरना जब समाप्त हो गया, उसके बाद अब आप देखेंगे कि जो ये धरना है वो समाप्त के बाद अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शव को लेकर के अब पुलिस जो है SMS हॉस्पिटल पहुंचेगी। SMS हॉस्पिटल इस शव को ले जाया जा रहा है, वहीं पर रात को पोस्टमार्टम होगा। मेडिकल बोर्ड ने लगभग पूरी तैयारियां कर रखी है, और इस पोस्टमार्टम के बाद में कल सुबह 7 बजे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का शव राजपूत सभा भवन से गोगामेड़ी गांव यानी जो हनुमानगढ़ में है वहां के लिए रवाना होगा। रास्ते में जगह जगह उसका जो पुष्प अर्चन करके यानी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि जगह जगह दी जाएगी, उसका रूट एक तैयार होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आखिरकार सुलह की जो वार्ता का जो रास्ता है वो खुला है। एक बार तो मामला काफी एक बार गहरा गया था, कि जबकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी पहली बार धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये धरना जारी रहेगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद वापस से महिपाल सिंह मकराना को यहां पर लाया गया। जो एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत हैं, डिप्टी SP भोपाल सिंह भाटी है, जो अन्य जो अफसर हैं वे इस बातचीत में शामिल हुए। आश्वासन दिया गया, एक SHO को सस्पेंड किया गया,
क्योंकि श्यामनगर थाना प्रभारी के ऊपर ये आरोप लगे थे लापरवाही के, ऐसे में इसके बाद जो धरना स्थल पर पहुंच करके शीला शेखावत ने धरना को समाप्त करने की बात कही, कहा कि आश्वासन मिला है और जल्द इसका बदला भी लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद अब पूरी तरीके से जो 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 मामला है वो शांत हो चुका है, सारे जो अलग अलग जो धड़े बट रहे थे बीच में वो सब शांत हो गए। अब इसीलिए सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को, जो कि कल से दोपहर 1 बजे से यहाँ पर रखा हुआ था, करीब 2 बजे से यहाँ रखा हुआ था, उस शव को देखिए, इस शव को जो है बाहर लाया जा रहा है। गुरु भूपेंद्र सिंह SHO माणक चौक सबसे आगे है और उनकी देखरेख में ये आगे शव को रखवाया जा रहा है। कुछ देर में इस शव को, सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को, अब देखिए एम्बुलेंस में यहाँ पर रखवाया जा रहा है, शव को बाहर लाया गया है। जी देख रहे हो, बिल्कुल सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को बाहर लाया गया है। अब इसे SMS हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, वहीं पर पोस्टमार्टम होगा मेडिकल बोर्ड से। मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है और कल सुबह 7 बजे सुखदेव सिंह गोगा मेडिकल गाँव में ये शव जो अंतिम संस्कार किया जाएगा राजपूत सभा भवन से, ये शव कल एक यात्रा के रूप में रवाना होगा। देखिए बिल्कुल सुखदेव सिंह गोगा मेडी का जो शव है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी का शव यहाँ से ले जाया जा रहा है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी का शव जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। और अब जो है पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को यहाँ से ले जाया जा रहा है और एम्बुलेंस में रखवाया जाने की जो पूरी जो कवायद है वो लगभग पूरी हो गई है। देख रहे हैं विजुअल, बिल्कुल विष्णु तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर शव को अब मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है, SMS मोर्चरी, जहां पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं पोस्टमार्टम के लिए। कल सुबह 7 बजे सुखदेव सिंह गोगा मड़ी का शव राजपूत सभा भवन से रवाना होगा और कल अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। शीला शेखावत को इससे पहले हमने सुना, जहां पर वो समर्थकों से अपील भी कर रही थी कि कल सुबह अंतिम दर्शन होंगे और लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन विष्णु ये भी बड़ी बात है, ये चेतावनी भी दी गई है, 72 घंटे का अल्टीमेटम, अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस जो है कुछ देर में यहाँ से रवाना हो रही है, कुछ देर में एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को लेकर के पार्थिव देह को। मोहन सिंह मत जाओ आगे, यहाँ से अब जो है एम्बुलेंस इसी रास्ते से एम्बुलेंस अभी हॉस्पिटल के ICU गेट से बाहर आने वाली है। ये जो देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है, जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जय भवानी के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से बताऊंगा कि इस पूरी सहमति में महिपाल सिंह मकराना, जो मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। और उसके अलावा एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत, जो कि दौसा से यहाँ पे उनको बुलाया गया था, अजमेर से डिप्टी SP बजरंग, जो भोपाल सिंह भाटी है उनको यहाँ पर बुलाया गया था, तमाम जो कुछ अच्छे जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया था। और आखिरकार सहमति का रास्ता खुला, 72 घंटों में दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करने की आश्वासन यहाँ पर मिला है, लिखित में आश्वासन मिला है। साथ में श्यामनगर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का लिखित ऑर्डर जहाँ पे जारी हुआ, इसके बाद ये सहमति बनी और आखिरकार कहीं ना कहीं शीला, जो देखिए बिल्कुल एम्बुलेंस नारेबाजी के बीच, जय कार के बीच में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को लेकर, मान सिंह जी देखिए कैमरा पर्सन मानसिक आज बहुत मेहनत करी, ये एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो चुकी है, एम्बुलेंस को मैं दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो गई है। ये एम्बुलेंस के मैं इसी एम्बुलेंस में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को लेकर के और लगातार नारेबाजी के बीच जहाँ से रवाना कर दिया गया है, बिल्कुल रवाना यहाँ से हो गया है सुखदेव सिंह को। और ये समर्थक, तमाम जो समर्थक नारेबाजी करते हुए इस एम्बुलेंस के पीछे यहाँ पर चढ़ रहे हैं, दिखाना चाहूँगा सैकड़ों की संख्या में समर्थक जो कि धरने पर मौजूद थे। लगातार 2 दिन से लोग धरना दे रहे थे, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, न्याय की मांग यहाँ पर कर रहे थे। सभी समर्थक अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, कहीं सुलह का रास्ता खुला, गतिरोध खत्म हुआ और आखिरकार पुलिस और परिजनों के बीच में सहमति बनी, एक SHO को निलंबित किया गया और इसके बाद अब पूरी तरीके से ये जो पूरा माहौल है, समर्थक जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, ये समर्थक यहाँ से जा चुके हैं, पूरा काफिला जो है यहाँ से जा चुका है। एम्बुलेंस में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के शव को ले जाया जा चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद SMS हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम होगा, शव को पोस्टमार्टम के बाद में कल सुबह 7 बजे, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कल सुबह 7 बजे राजपूत सभा भवन से
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शव को या शव यात्रा यहाँ से रवाना होगी जगह जगह, हाँ। उनका पुष्पांजलि उनको दी जाएगी, जैसा कि अभी आह्वान किया गया था, कहा गया था सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत की ओर से। और रास्ते जो एक रूट मैप रहेगा, यानी कि जो हनुमानगढ़, जयपुर से हनुमानगढ़ के बीच जो एम्बुलेंस के जरिए शव ले जाया जाएगा, तो जो रूट रहेगा वहाँ पर जगह जगह उनका पुष्पांजलि देने के लिए एक रूट मैप तैयार करके समाज के लोगों को भेजा जाएगा। अब तक की बड़ी अपडेट यही है कि जो सहमति थी एक बार खराब हो कनक खत्म होती भी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ और उसके बाद सहमति बनी। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी बाहर धरना स्थल पर पहुंची, उन्होंने आह्वान किया, कहा कि 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की कि आश्वासन को मिल गया है। SHO श्यामनगर को सस्पेंड कर दिया, बीट प्रभारी जो कांस्टेबल जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया आखिरकार। और इसके बाद सहमति बनी और खुद जो शीला शेखावत है, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी है, उन्होंने धरने को खत्म करने का आह्वान किया और उनके कहते ही धरना, हाँ। समाप्त हुआ। और महज 5 मिनट में, यानी सुखदेव की पत्नी शीला के आह्वान के बाद महज 5 मिनट के भीतर शव जो कि पहले से ही तैयार था उसे एम्बुलेंस से लेकर के पुलिस सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच यहां से रवाना कर दिया गया है रात को ही। हालांकि रात को चूंकि सूर्यास्त के बाद में पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन ये बड़ा एक इमरजेंसी कार्य यदि होते हैं तो कलेक्टर और SP की इजाजत पर ये रात को पोस्टमार्टम होगा। इसलिए SMS हॉस्पिटल के मेडिकल जो जुरिस्ट है वहाँ पर, जो मोर्चरी है वहाँ पर मेडिकल जुरिस्ट मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद थे, ऑलरेडी तैयारियाँ वहाँ पर पूरी कर ली गई थी और आज ही रात को शव का पोस्टमार्टम वहाँ करवाया जाएगा। उसके बाद ये भी साफ हो सकेगा कि सिर में और सीने में जो गोलियाँ लगी थी वो कहाँ कहाँ लगी थी, कितने घाव उनके हुए, तो तमाम मेडिकल बोर्ड की जो पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज के बाद में शव सुबह 7 बजे SMS हॉस्पिटल से राजपूत सभा भवन को ले जाया जाएगा और राजपूत सभा भवन में ही समाज में तमाम जो सर्व समाज के लोग हैं वहाँ इकट्ठा होंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि के बाद में शव यात्रा जयपुर से रवाना होगी। जयपुर से रवाना होकर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये शव यात्रा प्रियंका और हनुमानगढ़ में भादरा स्थित गोगामेड़ी गांव पहुंचेगी, जहां के रहने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे और वहीं से उन्होंने अपना जो शुरुआत की थी। उसके बाद जयपुर आए, समाज से जुड़े, समाज के साथ उन्होंने मिलजुल करके काम करना शुरू किया, सर्व समाज के लिए भी आगे आए, कई सामाजिक सरोकारों को जुड़ा रहा और आखिरकार लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती से एक गैंग का वे शिकार हुए। गैंग ने आपसी कलह जो कह सकते हैं कि किसी रंजिश में ये दर्दनाक जो मर्डर है उसको अंजाम दिया। जी बिल्कुल विष्णु, और शायद आज ये धरना समाप्त हो भी नहीं पाता अगर जिम्मेदार पुलिस वाले जो लापरवाही जिनकी वजह से ये हत्याकांड हुई उन पर गाज नहीं गिरती, क्योंकि बड़ी कार्रवाई पुलिस मुख्यालय की ओर से की गई। श्यामनगर थाना प्रभारी से लेकर जो अन्य जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन अब 72 घंटे इंतजार करना होगा। 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो जैसा कि ऐलान पहले ही कर दिया गया है कि दोबारा से इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारियों के लिए। अभी कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थाना अधिकारी श्यामनगर व थाने के पीठ के प्रभारी व पीठ कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से वांछित अभियान का 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए ये आप लोगों की जीत है भाइयों, ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज में आया, जिसने इस समाज को एक जादू फैला दिया। क्या आप लोग इसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना? कल सुबह अंतिम
लिए गोगा मेडी पधारे आप सभी, आप सभी का सादर आमंत्रित हो, आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। पुलिस ने ये लिखित में दिया है क्योंकि पहले जो समझौता हुआ उसमें लिखित में कुछ नहीं था, अभी लिखित में हमें दिया गया है। और शीला भाभी साहब ने यही बोला था जो लिखित में होगा उसी पे मानूंगी, ये लिखित में दिया है, नीचे साइन है। पूरा थाना निलंबित किया गया है एक आवाज पर, शीला भाभी साहब की एक आवाज पर। और 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां होगी, नहीं तो हम वापस से रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोगा मेडी हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जो लापरवाह पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ, और इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि लिखित में आश्वासन मिला है कि 72 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को एम्बुलेंस के जरिए SMS मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि आमतौर पर रात में शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, लेकिन गोगा मेडी के शव का रात में ही पोस्टमार्टम होगा, जिसे लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं, अनुमति भी ले ली गई है, मेडिकल बोर्ड का गठन भी कर लिया गया है। आज रात शव का पोस्टमार्टम होगा और कल सुबह 7 बजे शव को अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। तो मांगों पर सहमति बन गई है, लिखित में आश्वासन मिल गया है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार पुलिस वाले थे, जिनकी लापरवाही की वजह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उन पर भी गाज गिरी है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, श्याम नगर थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल और IO को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ आश्वासन ये भी मिला है कि 72 घंटे के भीतर जो आरोपी फरार हुए हैं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो शीला शेखावत जो पत्नी है, उनको भी आपने सुना, गोगा मेडी की पत्नी साफ तौर पर ये भी कहती हुई नजर आई कि अगर 72 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दोबारा से इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने वहां मौजूद लोगों से ये भी अपील की है कि जब कल सुबह 7 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी तो वो उस दौरान मौजूद रहें। उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया कि उन्हीं के समर्थन से आज उनकी मांगों पर सहमति बन पाई है। तो अगले 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित में आश्वासन दिया गया है पुलिस की ओर से, और इसके बाद इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगा मेडी गाँव में जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो वहां पर भी शीला शेखावत ने लोगों से अपील की है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचें और अंतिम दर्शन करें। तो कल सुबह 7 बजे सुखदेव सिंह गोगा मेडी का शव राजपूत सभा भवन से रवाना होगा, जहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और उनके समर्थक अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। रूट भी तैयार किया जाएगा जिस रूट से ये अंतिम यात्रा निकाली जानी है। तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी के आह्वान के बाद दूसरे दिन ये धरना समाप्त हो गया है, क्योंकि जो तमाम मांगे थी लगभग सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच NIA की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ सरकारी नौकरी का आश्वासन मिला है, मुआवजे का आश्वासन मिला है, और आश्वासन सबसे बड़ा लिखित आश्वासन ये मिला है कि जो आरोपी हैं उन्हें 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो दोबारा से धरना शुरू कर दिया जाएगा। तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत दोबारा से धरना स्थल पर पहुंची, जहां पर पहुंचकर उन्होंने ये धरना समाप्त करवा दिया है और कल शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।